हेलो एवरीवन, इस सेकंड सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग मुंडा शासन प्रणाली पढ़ लिया था और आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो पहले राजा जो थे फणी मुकुट राय, ठीक है, फणी मुकुट राय ये पहले राजा थे नागवंशी शासन के। एक मिनट, फणी मुकुट राय, इन्हें आमतौर आदि पुरुष भी कहा गया है, ठीक है। तो फणी मुकुट राय के समय जो आपकी राजधानी थी वो थी सुतियांबे में इनकी राजधानी थी। और इस उनके राज्य में, फणी मुकुट राय के राज्य में जो 66 परगना थे, कितने परगना थे? 66। और इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था में ज़्यादा तो इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पहली शताब्दी से लेकर इस शासन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था, जब तक कि आपका अंग्रेजों का आक्रमण नहीं हुआ था। तो इस शासन व्यवस्था में सबसे पहले अंग्रेजों के आक्रमण कब हुआ था इसके बारे में जानना जरूरी है। ये हुआ था आपका सबसे पहले 1585 में मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था, मुगल आक्रमण हुए थे। और इसके बाद इस फणी मुकुट राय के जो शासन थे उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। तो ये आक्रमण एक्चुअली इन्होंने किया क्यों, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो होता ये था कि जब अंग्रेज इनके राज्य में आते थे तो ये जो राजा थे फणी मुकुट राय, ये उन्हें भेंट के तौर पर कुछ दिया करते थे, कोई भी उपहार स्वरूप कुछ भी दिया करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे आपका मालगुजारी के रूप में परिवर्तित हो गया और इन्होंने बाद में कर देना, जो भेंट देते थे वो देना मना कर दिया, जिसके कारण इनके बीच में युद्ध हो गया और आपका इस फणी मुकुट राय के जो राज्य थे उस पर भी मुगलों का राज हो गया। तो इस तरह से इनके पूरे राज्य में आपका अब मुगलों का नियंत्रण था। और मुगलों ने यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे उन्होंने जो पहड़ा प्रमुख होते थे, उन्हें मानकी कहा जाता था। और इस मानकी से इन्होंने दीवानी प्राप्त करने का जो अधिकार था उसे एक विशेष आप बोल सकते हो कि व्यक्तित्व दिया गया था, जिसे ये लोग भुइयर कहते थे, ठीक है। तो होता क्या है, पहड़ा प्रमुख जो होते थे मानकी थे, और जो आपका कर वसूलते थे वो होते थे भुइयर। भुइयर कौन होते थे? जो भूमि कर वसूलते थे, भूमि कर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो नागवंशी शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस शासन प्रणाली में ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। और एक खास बात है कि अंग्रेजों का आक्रमण कब हुआ था, इसमें अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था आपका 1765 में हुआ था, और अंग्रेजों ने जब दीवानी अधिकार बंगाल में जब आक्रमण हुआ आपका बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और फिर बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसके बाद दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया था। और इसी के लिए अंग्रेज का आक्रमण आपका इस नागवंशी शासन व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, जहां पर इन्होंने जो सर एसजी विटले जो थे, विटले इसे कलेक्टर बना दिया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कलेक्टर कौन था, पहला सिविल कलेक्टर कौन था, तो सर एसजी विटले थे फर्स्ट सिविल कलेक्टर, ठीक है। इतना ही आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में। इसके नेक्स्ट वाले शासन व्यवस्था में हम लोग मांझी शासन व्यवस्था के बारे में